ब्रजेश भंडारी जी को बहुत बधाई देता हूँ, जिस तरह से आप उत्तराखंड के लोगों के बीच में जाकर उत्तराखंड के बारे में बताते हैं, आप बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। चैनल से बोल दूंगी कि सबके लोग सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो न्यू वीडियोस आपकी आती है, मतलब यूके की हैं। लव यू बहुत, हमारे उत्तराखंड को इतना प्रमोट कर रहे हैं, आई लाइक इट। ओके। पेड़ पाखो बार मासा नरण कासल पको चेता मेरी छेला, नरण कासल पको चेता मेरी छेला। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में। आज मैं आया हूँ मयूर विहार, जहाँ पर की हो रहा है उत्तराखंड का एक रंगारंग कार्यक्रम, जो कि हो रहा है उत्तराखंड देवभूमि विकास संगठन मयूर विहार फेस वन के सौजन्य से। और ताली बजाइएगा, क्योंकि मैं कोई ऐसा गीत नहीं गा रही जो नहीं समझ में आने वाला। हम लोग सब पहाड़ा पट्टी छू, सबू कणी समझा, अपन भाषा अपन बोली सबू कणी समझ में आएगा। सबू लोग हाथ खोल बे, ताली बजाएंगे और मिल बे कणो की हिलमा शांति को पटना दे दी दिलमा तो मेरी टटना सच्ची पल्ली हिलमा शांति को पटना दे दी दिलमा तो मेरी टटना तो अब मेरे दगड़ ची एक आंटी जी, क्यों चलो बात करते ना। हाँ चलो जाओ आंटी जी, क्यों नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहिन। और तुम्हारा गांव कच्छो? मेरे गांव नाम धन्यान। और कच्छो यो दिल्ली? ये दिल्ली पहाड़ बन कच्छो? पहाड़ बन बता दो समझी की तरफ से
अच्छा तांडव से है, नाम धन्यान से, अल्मोड़ा पा, अल्मोड़ा बहुत अच्छा कार्यक्रम, अल्मोड़ा लिख दियो कमी, अल्मोड़ा कमी, अल्मोड़ा लिख दियो कमी, अल्मोड़ा थोड़े रिकॉर्ड हम यो अधिकारी भी हमारे बीच में पहुंच गए, एक बार तोड़ तो तुमको आदरणीय महाराज को पहाड़ की जो तुम्हें आजकल भल लगे कृषि जी से अब मैं खजली मैं टोकली तू सेवा की दाढ़ जैसी आना रखी दल जैसी अरे न जाऊ ने पाल पोडरा सट को सट के ली जा लो गोरखिया बोटिया तब गोरखे चली भागोली ये गोरखे चली भागोली होशिया पाना की लगारू बोला ये गोरखे चली भागोली होशिया पाना की लगारू बोला बधानो लोना को पाला वो पाला लोना की लगारू बोला रंगीलो पहाड़ मेरो पसंद छोरी रुमा धुमा हर बार फिरे की पसंद छोरी रुमा धुमा अरे गौ मैया घूमे की रुमा धुमा हर बार फिरे की पसंद छोरी रुमा धुमा अरे बार है जा खिया पाड़ो पीता रुमा धुमा बुढ़िया महतारी मेरी तह कोली नली बारी ही मां डग अरे का छुटा रो चले भी कोटा रे का छुटा रो चले भी कोटा रे ये कहे की रे छछे और खाल के मेरा छब ये कहे की रे छछे और खाल के मेरा छब ही मां डग ही मां डग तो अब हमारे दगड़ी छे कमला जी, कमला जी तुम्हारे गाँव का छो भिक्या से, तुम्हारे गाँव छो भिक्या से, और गेत के तेरे छे तुम मयूर बिहार भैया प्रोग्राम में हम आगे हमें कैसे लगो अच्छा तुम गेस्ट जो प्रोग्राम है नी तुम्हारे तुम क्या सोचे इस बारे में कि गेस्ट प्रोग्राम होते रहने चाहिए हमारा जो हमारी संस्कृति है या हमारा जो कल्चर है वो मतलब इससे एक्सप्रेड होता है लोगों तक जाता है तो आपको यहाँ पर आके जैसे आपने क्या क्या करा और यहाँ पे यहाँ के कार्यक्रमों में और कभी आपने कोई गांव का होली मिलन का कार्यक्रम देखा है नहीं गांव का नहीं देखा यहीं का ही देखा यहीं का देखा है तो यहाँ पे जैसे आपको आए हो तो यहाँ पे क्या कैसा लगा क्या अच्छा लगा और क्या चीज आपको लग रहा है कि और ऐसा होते रहना चाहिए यहाँ पे जितने भी पॉकेट वन के पॉकेट टू के लोग हैं सब मिल रहे हैं अच्छा। जो बहुत दिनों से नहीं मिले वो भी मिले तो इसलिए अच्छा लगता है कि चलो सब एक बार मिलते तो ऐसा तो कोई पहाड़ी गीत आपको आता है कोई जो पहाड़ी गीत आपको पसंद हो तो
वो अभी वो वाला आ रहा ना, कौन सा वाला नहीं वो क्रीम पाउडर, क्रीम पाउडर तो दो लाइन सुनाओ गाना नहीं सुना सकते, क्रीम पाउडर वाला गाना नहीं आता आपको उसको अच्छा ये सारे आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। किट्टू आपको कौन सा पहाड़ी गाना आता है, क्रीम पाउडर वाला गाना? अब हमारे साथ है रवि नेगी जी जो कि पहले भी एक बार हमसे बात कर चुके हैं। रवि जी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा और पहले ये पूछूंगा कि ऐसे जो कार्यक्रम ये हो रहे हैं उत्तराखंड के हमारे होली के या मतलब उत्तराखंड कल्चर के जो प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्राम से हमारे उत्तराखंड की संस्कृति के ऊपर क्या फर्क पड़ता है और क्या इम्पोर्टेंस है? आप सभी जो भी दर्शक देख रहे हैं उनका स्वागत करता हूँ, होली की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। ये बहुत बड़ी बहुत बड़ा विषय है कि उत्तराखंड विकास संगठन द्वारा ये कार्यक्रम दिल्ली जैसे शहर में अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए, अपनी संस्कृति अपनी धरोहर को लोगों को जो आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए जो कार्यक्रम करते हैं, इन कार्यक्रमों में सभी आयोजकों में बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम से हमारे नई पीढ़ियों को पता चलता है हमारे कल्चर के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में कि आखिर है क्या। धन्यवाद रवि जी, आइए आइए आप भी आइए। तो हमारे साथ समिति के लोग भी हैं, मैं आपका स्वागत करूंगा इस बातचीत में। तो आप लोगों को जैसे आप ये कार्यक्रम करते हैं तो आप क्या सोच है इस कार्यक्रम की? मैं समिति का उपाध्यक्ष हूँ उत्तराखंड देवभूमि विकास संगठन का और रवि भाई हमारे जो हैं इन्होंने हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन करा है और इन्होंने यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हम अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से हमारे को समय निकाल के यहाँ पे आए क्योंकि इनको लगा कि हम अपने लोगों के बीच में हैं और यहाँ पे कोई इनके साथ कोई तकल्लुफ भी नहीं है, बड़ा बिल्कुल इनके साथ तो पारिवारिक माहौल है हर किसी के साथ है। तो इसलिए मैं रवि भाई का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ क्योंकि इन्होंने हमारे साथ यहाँ पे आया और हमारा सहयोग भी दिया। और रवि भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं रवि जी बस आपको धन्यवाद करूंगा और आपको एक बार होली की शुभकामनाएं अगर मेरे दर्शकों को एक बार फिर से कर दे तो। आप सभी जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं सभी उत्तराखंड भाई बहनों को होली की हार्दिक बधाई है शुभकामनाएं और जिस प्रकार होली के रंग खिलखिलाते हैं उसी तरह आपके जीवन में ऐसी खिलखिलाहट हो और आप सभी। मैं ब्रजेश भंडारी जी को बहुत बधाई देता हूँ जिस तरह से आप उत्तराखंड के लोगों के बीच में जाकर उत्तराखंड के बारे में बताते हैं, आप बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। तो अब हमारे साथ है उत्तराखंड का एक जाना माना नाम हेमा जानी जी जिनको कि आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना था, बहुत अच्छा गाती है तो कहने की बात नहीं है। हेमा जी बहुत बहुत धन्यवाद आप मुझसे बात कर रही हैं। सभी उत्तराखंड के भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार हेमा जानी का और मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे भंडारी जी हैं ये उत्तराखंड के लिए बहुत जोर शोर से काम करते हैं। सभी इनके चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा बनाएं क्योंकि आप लोग अपने लोगों आप लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद है। आप सभी से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सुन लो अब तो वही अब बोल दिया हेमा जी ने, बोल दिया कर लेना प्लीज यार देखने वाले बंद हो। अरे जोक से पार हेमा जी बहुत अच्छा लगता है जब भी आपसे मिलता हूँ, बहुत अच्छा लगता है अपना मतलब ऐसा लगता है कि कोई अपना मुझे मिल गया है। और हेमा जी मैं आपसे जरूर यहाँ पे ये चाहूंगा कि दो लाइनें अपनी जो आपने आपने सुनाया था कि दो लाइन मैंने आज यहाँ पे जो गीत गाया है वो राही जी का गीत है, बहुत पुराना गीत है। चांदी को बटना दिलमा तुम्हारी रटना, चांदी को बटना दिलमा तुम्हारी रटना। जिस तरह ये गीत के बोल हैं उसी तरह पूरा उत्तराखंड हमारे दिलों में है और पूरे उत्तराखंड के लिए जगह भी हमारे दिल के अंदर बहुत है। आज इतने सालों से हम उत्तराखंड के लिए काम कर रहे हैं, जो उत्तराखंड का स्नेह और प्रेम है आप लोगों का, जो आज भी अपनी संस्कृति से जुड़े हैं। थैंक यू हेमा जी और मैं आपसे ये जरूर चाहूंगा कि आप मेरे दर्शकों को होली की शुभकामनाएं जरूर। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली हमारे उत्तराखंड का एक ऐसा पर्व है जो एक हफ्ते पहले से मनाया जाता है बड़ी धूमधाम और कुमाऊं के अंदर भी इतना बड़े लेवल पे इस पर्व को मनाया जाता है जिसकी मेरे पास शब्द भी नहीं। तो आप सभी के लिए ये होली आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेगा। धन्यवाद। Don't get up, so 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 get up,
तथा उनके टीम को फोटो खींचे सबको चैनल सब्सक्राइब करना हमारा। और सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि खाना खाने का प्रबंध संगठन की तरफ से है, आप सब लोग रात का भोजन लेकर के यहाँ से जाएंगे। अब हमारे साथ अमन गुसाई जी और मैं इनको देखे बहुत अच्छा डांस कर रही थी, मैंने इनका रिकॉर्ड करा और मैंने सोचा इनसे चलो बात कर जाए। तो आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा? अब मैं बता नहीं सकती क्योंकि हम उत्तराखंड से हैं लेकिन यहाँ रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ आ गए, लेकिन जो ये देख के यादें ताज़ा हो गई ना, मज़ा आ गया। आपका चैनल से बोल दूंगी कि सबके लोग सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो न्यू वीडियोज़ आपकी आती है, मतलब यूके की हैं। लव यू बहुत, हमारे उत्तराखंड को इतना प्रमोट कर रहे हैं, आई लाइक इट। ओके थैंक यू सो मच। अच्छा आप जैसे आप अपनी भाषा भी बोलने आती है क्या? घर में बोल छन पर उतना बोलना नहीं आन दमिता, थोड़ थोड़ आन छो बीन जान दो मी जो आप बुन छा वो मिता थोड़ थोड़ समझ आन छो पर बुनना कुन मिता थोड़ी हेजिटेशन होती है। मुझे भी हेजिटेशन होती है, मुझे भी अपनी भाषा नहीं आती, बट अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको कोई गाना अगर आपको याद है, कोई गाना अगर आपको अच्छा लगता हो तो? वाला सॉन्ग है जो शायद सबको ही पता होगा, और जब भी सबसे पहले कोई गढ़वाल का गाना कोई सॉन्ग को करता तो ये कुमाऊनी गाना है, गढ़वाली नहीं है। अभी उन्होंने क्या बोला था, गढ़वाली और कुमाऊनी कुछ नहीं, हम सिर्फ उत्तराखंडी हैं। तो ये कोई बात नहीं, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। थैंक यू सो मच मुझसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये फंस गए नहीं पायो, हे बाबा सकोनी की चाल बा, हे अब देख ले पोरा दो पंडो, हे पासू हरे हाल बा पंडो। आप सब नर उत्तराखंड की देख भूमि में रही आज दिल्ली में प्रदेश में बस गए था। आप सबों में दुर्गा सिंह बिष्ट पहला जो चीज आप पहाड़ छोड़ गया और भूल गया था, शायद तुम लोगों को याद नहीं हो। और मैं कोशिश हूँ कि मैं आप लोगों के अपन या गीता माध्यम पहाड़ ले जाऊँ, चाहे मेरे शहर छो चाहे तुम छा घर जो मन ताकत नहीं घूमो, मैं कोशिश करूँ कि आप लोगों को पहाड़ ले जाऊँ। और साल भर में एक बार ये छः महीने में एक बार आपको घर गया
अब धूमपत्ती कब आया अब देवतों को नाम ले आया तो मेरा कोशिश छू सब भाई बही हुई मेरा हाथ ची जोड़िया सब भाई बही हुई मेरा हाथ ची जोड़िया आप उड़ो पहाड़ कहीं तुम धना छोड़िया अरे ओ माटी को हम परी चुबड़े उपारा धरती को स्वर्ग जाओ हमारो पहाड़ हित मेरी सरूली पार दे यहाँ पर मेरे घर में आया हुआ था और ये सामने देखिए प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ पर मैं आया तो मुझे एक मेरा बहुत पुराना दोस्त मेरे ऑफिस में था मेरे साथ जो मेरा लास्ट ऑफिस था उस वाले ऑफिस में थे हम साथ में और ये मेरे फ्रेंड है हरीश पोखरियाल जी। हरीश जी आपको मिलकर हरीश तेरे को मिलकर बहुत अच्छा लगा भाई और बहुत दिनों के बाद हम मिले सेम ईयर बहुत काफी टाइम पहले हम बहुत छोटी सी मुलाकात हुई थी और उसके बाद फिर हम एक जगह जॉब भी करी हमने और उसके बाद हम इतने सालों के बाद आज कम से कम 7-8 साल हो गए होंगे पर बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा भाई मुझे भी बहुत अच्छा लगा उससे मिलके तो ये मेरा जानने में नहीं आ रहा बाल तूने बड़े गलती काफी बाल बड़े हो गए बढ़िया भाई बढ़िया अच्छा लगा बहुत दिनों बाद मिलके उत्तराखंड के प्रोग्राम की वजह से ही है और उत्तराखंड के इन प्रोग्राम का होना बहुत जरूरी है। क्या सोचते हो तुम उत्तराखंड के प्रोग्राम्स के बारे में कि ये होने चाहिए ऐसे ये तो साल में 2 बार होने चाहिए भाई ये उत्तराखंड में मतलब कोरोना की वजह से शायद नहीं हो पाए पर अब साल में कम से कम 2 बार जरूर होना चाहिए ताकि ऐसे ही पुराने पुराने लोग मिल सके ये बात बहुत अच्छी है थैंक यू सो मच मेरे भाई Thank you.
अब क्या करूं ने कागजी ने पूछ सुन ले गयो अब क्या करूं रे कागजी ने पूछ सुन ले गयो अरे लाल बोतल शराब मुझे बड़ी खराब लाल बोतल शराब का मुझे बड़ी खराब का अब क्या करूं रे नशे मती दूर है गयो अब क्या करूं रे नशे मती दूर है Thank you.
युवा कलाकार भाई प्रकाश हमारे मगोट के हैं, प्रकाश गुलाने जी है गीत, उसके बाद और धन्यवाद भगवत मन्ना जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति प्रकाश गुलाने जी के द्वारा। खाना भरवा दिया गया है, आप लोग खाना खाते रहे और ये प्रोग्राम भी चलता रहेगा, आप लोग गीत भी सुने, डांस भी करें, खाना भी खाते रहे, इकट्ठे भी।